हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल एंड कॉपी टू ऑल वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है यतीश, मैं हूं आपका वर्चुअल गाइड आज के लिए। और आज मैं आ गया हूं एक बहुत ही ब्यूटीफुल ऑफ बीट्स लोकेशन हिमाचल की, जिसका नाम है जीबी। जी हाँ, काफ़ी आप में से काफ़ियों ने इसका नाम ज़रूर सुना होगा, बट काफ़ी ऐसे भी हैं जिनको जीबी के बारे में नहीं मालूम। तो आज मैं आपको जीबी का टूर कराऊंगा, यहाँ तक कैसे पहुँचना है, कौन सी रोड लेनी है, क्या डिफ़िकल्टी लेवल है, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको मिलेंगी। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। और अभी यहाँ मैं खड़ा हूँ, ये मेरा स्टे है आज का, और मैं आपसे यहाँ आपको व्यू दिखाता हूँ। यहाँ से आप तो ये है अल्टीमेट व्यू जहाँ पे मेरा आज का स्टे है। यहाँ से मेरी विंडो से, मेरे डोर से ये व्यू दिख रहा है, और बहुत ही अल्टीमेट वेदर है इस टाइम पे। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई ये देखिए। गुड मॉर्निंग गाइस, टाइम हो गया सुबह के 6 और हम निकल गए हैं चंडीगढ़ से। अनुज भाई आ गए हैं जयपुर से चंडीगढ़, और हम निकल रहे हैं आगे जीबी के लिए। तो यहाँ से जीबी अराउंड 6 आवर्स का रास्ता है। तो हम अभी पहुँचे हैं मोहाली साइड, चंडीगढ़ अभी हमने क्रॉस किया। तो मिलते हैं आगे रास्ते में, देखते हैं कैसे भेज हैं, क्या नज़ारे हैं, मिलते हैं आगे रास्ते। ऑलराइट गाइस, सो अब हम पहुंच गए हैं सुंदर नगर, हमने क्रॉस कर लिया है। यहाँ से आधे घंटे का रास्ता हो रहा है मंडी के लिए, और रास्ता बहुत ही खूबसूरत है सुंदर नगर तक। बहुत ही अच्छा हाईवे बना हुआ है, रोड एक्सीलेंट, और सामने देखिए पहाड़ नज़र आने शुरू हो गए हैं अच्छे अच्छे। आधा घंटा लगेगा यहाँ से मंडी, और टनल्स जो बनी है उसकी वजह से काफ़ी जल्दी हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अभी टाइम हुआ है अराउंड 9:30, आधे घंटे में पहुँच जाएंगे मंडी। हम सुबह 6 बजे चले थे चंडीगढ़ से, ब्रेक लेके, ब्रेकफास्ट ब्रेक करके, उसके बाद भी हम 9:30 तक यहाँ पहुँचे। काफ़ी अच्छा हाईवे बना हुआ है, अगर आप आना चाहें तो ये रूट ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे आगे, आप तब तक नज़ारे लीजिए रास्ते। मंडी क्रॉस कर लिया है, और आगे काफ़ी ज़्यादा लंबा जाम है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। लेट्स सी यहाँ कितना टाइम लगेगा, एंड नॉट श्योर ऑफ द रीज़न ऑफ दिस ट्रैफिक। बाकी नज़ारे देखिए, खूबसूरत वैली के बीच में हम खड़े हैं अभी, और टाइम हो गया है 10:30। अभी यहाँ से हमें 60-65 किलोमीटर और जाना है जीबी के लिए। सो विल कीप यू पोस्टेड, आप वीडियो में बने रहें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पे अपना कमेंट्स और लाइक ज़रूर छोड़ें। तो गाइस, फाइनली वी हैव रीच जीबी, और अब हम जा रहे हैं अपना जहाँ पे स्टे है। अभी मैं आपको उसका ग्लिम्स भी दिखाता हूँ, और अलग से प्रॉपर्टी टूर अलग से एक वीडियो में दूंगा आपको। और जीबी पहुँचने का रास्ता थोड़ा सा कठिन है, ऑड टनल के बाद। अगर आप चंडीगढ़ साइड से आ रहे हैं तो ऑड टनल जब आएगा, आपको एक रोड मनाली की तरफ जाएगा, वो नहीं लेना है, मतलब आपको ऑड टनल नहीं एंटर करना है, दूसरा रोड आपको जीबी की तरफ ले जाएगा। और ऑड टनल से जीबी का रास्ता थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा नहीं काफ़ी डिफ़िकल्ट है बेसिकली। अगर आप एक्सपर्ट या हैवी ड्राइवर नहीं हैं तो अपनी गाड़ी मत लेके आएँ, काफ़ी संकरी टाइट रोड है,
और यू माइट हैव टू रिवर्स योर व्हीकल इन केस सामने से कोई व्हीकल ऑन द स्पॉट आ जाता है। और बीच में छोटे छोटे काफ़ी गांव भी आएंगे, बट अल्टीमेटली जब आप जीबी पहुंचेंगे तो आपको नज़ारे कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है जीबी वैली, ये देखिए अल्टीमेट जीबी वैली। और आप देखना चाहते हैं हमारा आज का स्टे, तो ये है हमारा आज का स्टे, मड हाउस है ये। अभी आपको अंदर प्रॉपर्टी टूर भी दूंगा मैं। सो थोड़ा सा ऑफ रोड है, मतलब रोड पे हमने पार्क करा है, उसके बाद छोटे से घरों से निकल के, गांव से निकल के, खेतों के बीच में से होते हुए ये प्रॉपर्टी पे हम पहुंचे। और प्रॉपर्टी बाहर से तो बहुत अच्छी लग रही है, बाकी इन्फॉर्मेशन अंदर जाके देते हैं। अब काफ़ी थक गए हैं, टाइम हो गया है अराउंड 2, एस्टिमेशन से काफ़ी डिले हो गए हैं बिकॉज पंडो के पास काफ़ी काम चल रहा था कंस्ट्रक्शन का, देन ऑट के बाद भी काफ़ी रश था बिकॉज ऑफ टाइट रोड्स। बट मौसम यहाँ पे बहुत जल्दी बदलता है, रास्ते में काफ़ी गर्मी थी और अब देखिए व्यू देखिए, बादल नीचे आ रहे हैं। नॉट श्योर आपको कैमरे में कितना क्लियर दिख रहा है, बट दिस इज़ वर्थ कमिंग। और ऐसा कुछ रास्ता है जाने का अपने आज के स्टे के लिए। अखरोट का पेड़ कहाँ पे है, ये देखो, ये अखरोट का पेड़ बता रहे हैं, यहाँ अखरोट लगते हैं। वेरी गुड, सो लेट्स गो इनसाइड और देखते हैं आज का स्टे कैसा रहेगा। काफ़ी थक चुका हूँ मैं, फ्रेश होकर आपको दोबारा मिलता हूँ। तो गाइस अभी तो हम आगे फ्रेश भी नहीं हुए हैं और मौसम एकदम से ही 360 डिग्री का फ्लिप मार गया है। और देखो पीछे हो चुकी है बारिश शुरू, अल्टीमेट वेदर हो गया है। तो क्या भी हुआ, ये हमारा स्टे है, ये स्टे है हमारा, अलग से आपको टूर मिल जाएगा इस प्रॉपर्टी का। बट अभी आप बाहर के नज़ारे लीजिए, सामने जो आप देख रहे हैं कॉटेजेस और जो घर दिख रहे हैं आपको, ये बेसिकली लोकलाइट्स के ही हैं। ये भी लकड़ी के मड के बने हुए, और ये प्रॉपर्टी जहाँ हम स्टे कर रहे हैं ये भी मड और वुड की ही बनी हुई है। आई होप आपको थंडरिंग की साउंड भी आ रही होगी। ऐसा लग रहा है शाम के 7 बज गए हैं, बट इन रियलिटी इट्स 2:30 PM ओनली। सो लंच हमारा रेडी हो रहा है, लंच आने वाला है, हम फ्रेश होके अभी लंच करेंगे, थोड़ा रेस्ट कराएंगे बिकॉज ये लास्ट स्ट्रेच जो था ऑट से लेके यहाँ तक का पहुँचने का, वो काफ़ी टायरिंग हो गया बिकॉज ऑफ टाइट रोड्स, ऑब्स्टेकल्स एंड डिफिकल्ट ड्राइविंग। अगेन आई रिपीट, अगर आप स्किल्ड ड्राइवर हैं तभी अपनी गाड़ी इस रोड पर खुद लेके हैं, अदरवाइज हायर ए ड्राइवर, हायर ए कैब, बट डोंट टेक एनी रिस्क। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, रिफ्रेश होके खाना खा लेते हैं। सो बारिश अब रुक गई है थोड़ी सी और अगेन व्यू चेंज हो गया, पीछे धूप भी निकली हुई है और काले बादल भी दिख रहे हैं। तो ऐसे वेदर चेंज होता है पहाड़ों में कुछ कुछ मिनट्स के बाद। तो आज हम कहीं बाहर तो नहीं जा पाएंगे बिकॉज ऑफ दिस वेदर ट्रांजिशन,
बट हम आपको एक छोटा सा विलेज टूर पे ज़रूर ले जाएंगे जहाँ पे हम रुके हैं। तो चलिए चलते हैं विलेज टूर। तो यही है छोटा सा विलेज जहाँ हम रुके हुए हैं, विल शो यू। और ये थोड़ी सी टेरेस फार्मिंग यहाँ हुई हुई है। ये यहाँ के विलेज का मेन यही है कि ये फार्मिंग के थ्रू ही अपना डेली नीड्स पूरे कर रहे हैं। ऐसी ऑफबीट जगह पे आके, थोड़ा सा विलेज कल्चर को और क्लोजली देखने का मौका मिलता है, जो एक सिटी में हमें नहीं मिल पाएगा कभी भी। सो अगर आप कभी भी बोर हो चुके हैं मनाली साइड, शिमला साइड जाके, तो आई रिक्वेस्ट आप जीबी भी एक ऐसा प्लेस है जो विज़िट कर सकते हैं। जीबी के साथ साथ सांझ वैली है, वहाँ भी आप जा सकते हैं। शानगढ़ विलेज है, वहाँ भी आप विज़िट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जो ऑफ बीट प्लेसेस हैं, ज़्यादा नहीं मालूम है बट वर्थ एक्सप्लोरिंग। और यहाँ से आपको एक व्यू दिखाता हूँ अपने मड हाउस का, जहाँ रुके हम। ये सामने आप जो देख रहे हैं, ये है हमारा मड हाउस, ग्रीन रूफ टॉप वाला जी हाँ। और यहाँ से मैंने पहले भी आपको दिखाया, ये व्यूज़ दिखते हैं सामने अल्टीमेट। तो आप ये सोचिए जब यहाँ स्नोफॉल हुआ होगा तो कितना अच्छा व्यू आएगा यहाँ से। क्या कर रहे हो आप? सब्जी। सब्जी है? कौन सी सब्जी लगाई है? ये देखो कैसे लगाते हैं, घास की सब्जी। कौन सी है? घास की। हाँ। इसकी अब सब्जी बनाओगे रात को? हाँ, सब्जी बनाएंगे। वेरी गुड। और क्या क्या लगा हुआ यहाँ पे? तो होते सब कुछ, पालक, मटर, पालक भी, मटर भी, रास बीन है, शिमला मिर्च, टमाटर। लेके जाएंगे हम फिर, हैं हमारे लिए पैक कर देना। भैया धनिया निकाल रहे हैं, लोकल धनिया पाउडर बनेगा इसका, रोजगार है। घर देखो यहाँ पे लकड़ी के घर। तो ये ललित जी है मेरे साथ, ये हमें इस विलेज का टूर कराने लगे हैं। इनका नाम, तो विलेज का नाम है मिहार। ये हमें बताएंगे यहाँ क्या क्या है, क्या खासियत है। कहाँ से चलें? इधर से। चलो हम आपके पीछे हैं। माता के मंदिर का दर्शन करके आते हैं, साथ में गांव से रूबरू होते हैं। वेरी गुड। माता के मंदिर के दर्शन करके गाँव का टूर करेंगे। भगवती माता का मंदिर, क्या खासियत है इस मंदिर की? खासियत तो ये है सर, यहाँ पर जो है ना, लगभग हमारे जितने भी देवी देवता आते हैं तो यहाँ माता से मिल। हाँ जी। तो यहाँ पर जो है देवी देवता, जो समस्त देवी देवता आते हैं तो माता का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं ये मंदिर में। हाँ जी, हाँ जी। तो भगवती माता का मंदिर है और यहाँ का मुख्य देवता जो है श्रृंगर्षि जी महाराज है। हाँ हाँ हाँ। तो जो कुल्लू के कुल देवता भी है ना। हाँ जी, जी। जो यहाँ के उसके बाद जो देवता आते हैं वो देवता शेषनाग जी महाराज आता है। अच्छा। तो यहाँ पर समय समय पर जो त्यौहार होते हैं अपने यहाँ पर श्रावण मास में, तो यहाँ पर देवता जो है आशीर्वाद लेने आता है माता से। तो जब भी किस तरह की कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है तो देवता यहाँ पर माता से आशीर्वाद दे के समस्त जो जितनी भी बीमारियाँ वगैरह आई हैं उसको दूर करने के लिए देवता यहाँ आता है। और यहाँ पर लोग जो है जग होते हैं। अच्छा। जग एक तरह के एक अनुष्ठान होता है धार्मिक, जिसमें हम शाकाहारी भोजन परोसते हैं, जैसे दाल सब्जी वगैरह और सुबह प्रसाद वगैरह बनाते हैं। तो समस्त लोग यहाँ पर धाम का आनंद लेते हैं और बाद में देवते की विदाई होती है। अच्छा। देवता की विदाई होती है, चरणों में नतमस्तक होकर सभी लोग आशीर्वाद लेकर अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये है वो मंदिर जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, भगवती माता का मंदिर। हम भी यहाँ दर्शन करेंगे और माता का आशीर्वाद लेंगे।
राजकीय प्राथमिक पाठशाला मिहार है, केंद्रीय विद्यालय है। अच्छा, ये सामने राजकीय केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला मिहार, सामने जो गेट लगा है ये राजकीय प्राथमिक केंद्रीय विद्यालय मिहार है। अच्छा, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं? यहाँ पर तकरीबन 60-65 बच्चों की स्ट्रेंथ यहाँ पर जो है पढ़ाई निकलती है, और साथ में नीचे वाली साइड कोई कम्प्यूटर स्कूल भी है। अब वो अपग्रेड होके हाई स्कूल में बन चुका है। तो कितने बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में? जो अपना हाई स्कूल है, हाई स्कूल में इस समय 55 बच्चे हैं, जो गर्ल्स एंड बॉयज हैं वो लगभग 55 के आसपास हैं। तो यहाँ जो प्राइमरी में है, प्राइमरी में 65 से ऊपर लड़के लड़की हैं। जो प्राइमरी में 65 और मिडिल में हाई में 55। वेरी गुड। और ये पूरा मिहार गांव जो है ये यहाँ की छटा है, बहुत ही मनमोहक चारों ओर हरियाली, और यहाँ पर एक अपनेपन का एक बिल्कुल बच्चे देख रहा हूँ मैं, यहाँ खेल रहे हैं बच्चे, क्रिकेट का मजा ले रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं काफ़ी। यहाँ का दृश्य है समय बहुत ही मनमोहक है, और ठंडी ठंडी मौसम भी एकदम बदल जाता है यहाँ, बहुत ही सुहावना मौसम है। अब इतनी ठंडी तेज हवा चलने लग गई है, 5 मिनट पहले कुछ और नज़ारा था। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ का मौसम जो है बहुत ज़्यादा परिवर्तनशील है, और कुछ देर पहले मौसम बिल्कुल यहाँ का साफ था, अब बिल्कुल बादलों से घिरा हुआ है, और बच्चे यहाँ पर खेलने का पूरा ये देखिए विराट कोहली का शॉट, कवर ड्राइव लगाया इन्होंने। कॉल पिक कर और ये वैली का नज़ारा यहाँ से। तो ये देखो स्कूल के बाहर थोड़ा सा एरिया इनको ओपन मिला है, वही इनका प्लेग्राउंड है। और ये देख रहा हूँ कुछ पोल्स लगे हुए हैं, ये आई गेस वॉलीबॉल पोल बनाए गए हैं स्कूल के बच्चों के लिए, गांव के बच्चों के लिए। तो थोड़े में भी खुश रहना इनको आता है, और हम लोग इतने प्रिविलेज हैं, थैंकफुल टू गॉड फॉर सेम, सब फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास। और नज़ारा बहुत बढ़िया। और ये कुछ मुझे लग रहा है चारा रखा हुआ है जानवरों के लिए। जी हाँ, पशुपालन खेती बाड़ी मेन यहाँ पे होता है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है इस गांव में। तो ललित जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं हम गांव से सड़क की तरफ, ऊपर जहां हमारी गाड़ी भी पार्क है वहां जा रहे हैं हम। ठीक है, और ये क्या है सामने मेरे? ये सर खलियान ही है जिसमें चारा वगैरह पशुओं के लिए चारा रखते हैं। और यहाँ पर हमारा देवता भी रुकता है कोठी का, जब भी हमारा जो देवते का दौरा होता है आपातकालीन स्थिति में तो देवता बाहर रहता है, तो इस खलियान में रुकता है। खलियान में रुकता है। अच्छा, तो जो देवलू लोग है वो मेहमानी भी तो और घर घर में भेजते हैं। ठीक, तो बनावट देखिए अब गाँव के घरों की, ये वाला पुराने सबसे पुराने घर, लकड़ी और मिट्टी का है ना। हाँ जी, हाँ जी। सीमेंट ईंट कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी फिलिंग कुछ अलग है। अंदर जा सकते हैं क्या? अंदर जा तो सकते हैं, तो हाँ। अच्छा ठीक है, अंदर जा सकते हैं पर लोग एतराज करते हैं इसलिए हम नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं। हाँ, अपनी प्रॉपर्टी नहीं है तो थोड़ा रिस्ट्रिक्शन होती है, इससे पहले कोई एतराज करे। तो ये घर में पकवान बन रहे हैं चूल्हे पे, जिसका धुआं आप बाहर देख रहे हैं स्क्रीन पे, जो भी है पुराना चूल्हा है ये लकड़ी वाला, यहाँ एलपीजी गैस का साधन व्यवस्था कम है, एलपीजी गैस में इतना धुआं नहीं आता है आपको मालूम ही है, बट ये जो धुआं आ रहा है ये लकड़ी जलाने का धुआं है जिसपे चूल्हे पे काम हो रहा है। ये ललित जी बता रहे हैं हमारे को, जो बैट और बॉल से बच्चे खेल रहे हैं अभी,
ये हाथों का बनाया हुआ बैट है, कोई परचेज नहीं किया मार्केट से इन्होंने, और बॉल भी हाथों की है। कपड़ों का यूज होता है। अभी देखते हैं हम कि क्या कैसे बना हुआ है बैट। पहाड़ों के बीच में ये क्रिकेट खेलने का आनंद ही अलग है, और मौसम तो अल्टीमेट है ही। भैया बॉल दिखाओगे एक बार? तो ये बॉल की बात कर रहे थे हम, ये देखो ये कपड़े की और धागे से ऊन से इसको सिलाई करके बॉल का शेप दिया हुआ है। देख इसके अंदर क्या कपड़ा ही है, सारा सारा ही कपड़ा है इसके अंदर। सिला सिला के ऐसा हार्ड बनाया जाता है। वेरी गुड, देखो जितना ज्यादा सिलाते जाएंगे ना। और हम लोग वेट करते हैं जी रेड डिक्सन से खेलना है या किसी और बॉल से खेलना है। ये देखो ये इसी बॉल से अल्टीमेट मैच चल रहा है। पहले एक लकड़ी का एक तख्ता टाइप होता है, फिर उसको छील छील के कुल्हाड़ी से ये शेप दी जाती है। ये देखो इस तरह का खुद हाथ से छील के कुल्हाड़ी से छील के इसको बैट की शेप दी हुई है। वेरी गुड, खेलने दो खेलने दो, खेलो खेलो। ये पुरानी बिल्डिंग जो आप सामने देख रहे हो, ये पहले एक आयुर्वेदिक औषधि का डाक होता था, इंटर बेसिकली आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए। तो अब ये चेंज होके बन गया है महिला मंडल का ऑफिस, और बाहर लगा हुआ है एक छोटा सा लेटर बॉक्स, यहाँ चिट्ठी डाल सकते हैं। लकड़ी की पौड़ियाँ हैं, लकड़ी से ही मैक्सिमम काम हुआ है, यहाँ सीमेंट और ईंट का कोई काम नहीं। और ये व्यू टेरेस व्यू, हम स्टेडियम में टेरेस टिकट लेते हैं ना वो व्यू है यहाँ से। तो अब हम विलेज टूर से आ रहे हैं ऊपर मेन रोड की तरफ, और ये आप जब भी जाओ ये पहाड़ों में आपको आपके दोस्त जरूर मिलते हैं। ट्रैकिंग पे जाओ तो आपके साथ ट्रैक पूरा करके आएंगे, पहाड़ी कुत्ते बोलते हैं। ये रोड कहाँ जा रहा है? ये रोड सर अपना बंजार के लिए जाता है, ये लॉन्ग बे में पड़ता है थोड़ा सा। ये कच्चा ट्रैक है लगभग 3 किलोमीटर, वहाँ से आगे तो मेटल्ड है। लटीपरी टू बंजार ये मेटल्ड है, और यहाँ से लटीपरी तक ये कच्चा ही है। तो ये बारिश के बाद कुछ हाल है सड़कों का, हर जगह होता है पहाड़ों में, खैर ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है बिकॉज ऑफ लेस मेंटेनेंस। और वो हमारी सामने गाड़ी पार्क है, छोटा सा विलेज टूर लिया हमने ये विलेज का। ये देखिए ये था नीचे विलेज, और हम बहुत बहुत धन्यवादी हैं ललित जी के, उन्होंने हमारे को अपना प्यारा छोटा सा गांव दिखाया। मोस्ट वेलकम सर। ये ललित जी आ गए स्क्रीन पे छोटी। तो गाइज आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, ये था हमारा डे 1 चंडीगढ़ टू जीबी, हम कैसे पहुँचे आपने देखा, और विलेज टूर हमने आपको करवा दिया। कुछ मौसम ने करवटें बदली, नहीं तो आज हमें हम सोच रहे थे कि जीबी वाटरफॉल और आपको मिनी थाईलैंड भी दिखाएं, बट वो अब हम आपको कल दिखाएंगे। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, वीडियो पसंद आया हो विलेज पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, और थोड़ा सा प्यार ललित जी के लिए ज़रूर दिखाएँ। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।